हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, आई एम सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ऑलराइट, सो गाइस, सेम लोकेशन बट एक नया व्लॉग है, क्योंकि आजकल यू नो मैं एक बहुत ही फिक्स्ड रूटीन में फंस चुका हूँ, जिसके बाहर आना अभी कुछ महीनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसकी वजह से यू नो मैं यूजुअली अभी मॉर्निंग में राइड करने जा रहा हूँ, और राइड पे जाते हुए मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास ऐसे मतलब दिन में टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी कि मैं बाहर जाऊँ और एक यू नो बढ़िया सा कंटेंट शूट करूँ। बट यू आर सो हार्टलेस, यू डोंट केयर। आज का व्लॉग भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग संडे राइड है। वैसे तो आज बहुत लोग जाने वाले थे हमारे साथ इस राइड पे, बट अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट सारे लोगों ने कैंसिल कर दिया, बट मुझे तो जाना ही था, तो उसकी वजह से यू नो मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ और एक बंदा है, मतलब और दो बंदे हैं, तो उन लोग को भी मिलवा देते। तो आज के राइड में हमारे साथ देख लो भाई इमरान, इसको तो देखा होगा, और पीछे देख लो नया बाइक खरीदा है भाई ने, तो उसका थोड़ा एक वीडियो शूट करना है, उसकी वजह से आज उसको भी साथ में लेकर जा रहे हैं। साथ में यासर भी है, ठीक है, इसका तो डेली का है, मेरे साथ रहते ही है, हमेशा घूमता रहता है। कुछ लोग नहीं आए, खैर उन लोगों के साथ नेक्स्ट वीक चले जाएंगे राइड पे, पर आज का राइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, रील्स और फिर यू नो व्लॉग वगैरह भी शूट करना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, और एक बार आपको अपना स्कूटर का अपडेट देते फटाफट से, और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अगेन याद दिला दूँ, सो चलो। हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे, तो जो प्यारा सा लोकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ, लाइक हर व्लॉग में ही दिखाता हूँ आप लोगों को, बट ठीक है इस बार फिर से एक बार दिखा देता हूँ। दैट इज कि देख सकते हो प्यारा सा जो आईफिल टावर है छोटा सा, तो वहीं पर हम लोग आए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आज इसका रील शूट करेंगे एकदम बढ़िया सा। पहले इसका रील शूट कर लेते, उसके बाद फिर जाएंगे अपने कॉन्टेंट के लिए, कॉन्टेंट शूट करने के लिए, बिहाइंड द सीन्स थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। सही तो पकड़ा है तुमने, देख लो, और एक Z900 5 मिनट्स लेटर। यहाँ पे जितना भी हमें शॉट्स लेना था वो सब ले लिया है, ठीक है। पीछे हमारा है मॉडल, तो उसका शॉट्स ले लिया बाइक के साथ, बाइक के बगैर भी जितना भी शॉट लेना था वो सब हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे लोकेशन पे जो पास में ही है, ठीक है, एक रनिंग शॉट है वो भी लेंगे। बिहाइंड द सीन ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि यासर को मैंने फ़ोन अपना दे दिया, अभी थोड़ा सा काम रह गया, दैट इज़ रनिंग शॉट लेना है। रनिंग शॉट ले लेते फिर उसका जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद जो अपना मेन कॉन्टेंट है उसको शूट करने के लिए एक दूसरा लोकेशन पर जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट मतलब 5 मिनट दूर है यहाँ से। तो चलो फटाफट से इसका जो शूट है उसको रैप अप करते हैं और फिर अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसको हंसने बोला, इतना गंदा हंसी दिया है ना, ये बोल कैसा लगा। मॉडल मॉडल है हम लोग का, ठीक है, 10-15 टेक लिया है हम टेक लिए, कैमरामैन टेक लिए, ठीक है। चलो देख लेना, रील एंड में डाल दूंगा, ठीक है। चलो सबको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर, और सब्सक्राइब कौन करेगा तो अभी जो रनिंग शॉट था वो भी ले लिया है, अब जा रहे अपना मेन कंटेंट शूट करने के लिए। लाइक अभी आप टाइम देख सकते हो,
दिख रहा होगा, तो 8:53 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, पास में ही है स्कूटर, हम लोगों ने अपना पीछे पार्क कर दिया है और सारे लोग चल के जा रहे हैं क्योंकि आगे पार्किंग का जगह नहीं है। तो वहाँ पे जाते हैं, मेन कंटेंट शूट करते हैं अपना, और फिर वो एक जो छोटा सा नया लोकेशन है उसको दिखाते हैं। बता दूं तो दिस इज़ एन आर्ट स्ट्रीट, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोर वगैरह में बहुत सारे गेम्स वगैरह बनाए हुए हैं। आर्ट स्ट्रीट रहा ये, और यहाँ से अभी हम लोग गए थे उतने दूर तक। मैं क्विकली आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कि गेम मतलब क्या गेम है, और देख सकते हो यहाँ पे ऐसा फ्लोर पे स्नेक एंड लैडर का गेम्स है, यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, एक प्यारा सा बटरफ्लाई भी है, यहाँ पे बैठ के पिक्चर क्लिक कर सकते हो। और एक जो लोकेशन है वो थोड़ा आगे है, तो यहाँ से हम लोग पहले अपना स्कूटर उठा रहे हैं, फिर जाएंगे सीधे उस लोकेशन पे, वहाँ पे जाके रोक के थोड़ा सा वीडियो वगैरह लेंगे, क्योंकि अगर वहाँ तक हम लोग चल कर गए फिर वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पीछे देख सकते हो ये इको पार्क का गेट 1 है, ठीक है, यहीं से हम लोग एंटर करें, और जस्ट उसके बगल में ही वो आर्ट स्ट्रीट है। यहाँ पे भी देखो भाई बहुत बढ़िया मतलब बना रखा है इको पार्क को। अभी ये रहा हम लोगों का मॉडल आज का, सारा लाइमलाइट आज इसके ऊपर ही था भाई, पूरा इसका रील शूट कर दिया, फोटो क्लिक कर दिया, बॉम्ब। तो अभी हम लोग उस वाले लोकेशन पे आ गए जहाँ पे बहुत सारा वॉल पेंटिंग्स वगैरह किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को क्विकली दिखा देता हूँ एक झलक उस जगह का। वहाँ से ये जो वॉल आर्ट है स्टार्ट होता है और कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा है, और ये मतलब जो वॉल आर्ट है ना पूरा मतलब आगे तक जाता है, और बहुत सारे सुपर बाइक्स वगैरह भी देखने को मिले आज। लाइक यूजुअली जितना देखने को मिलता है ना उससे ज़्यादा देखने को मिला। हम लोगों ने डुकाटी स्ट्रीट फाइटर देखा, फिर Z900 देखा, Z900 2022 वाला भी देखा अपडेटेड वर्जन, उसके बाद एक BMW S1000 RR था, और कावासाकी निंजा वर्सेस भी था, कावासाकी निंजा 1000 भी था, ठीक है, फेयरिंग वाला, और यही कुछ बाइक्स देखे। खैर छोड़ो ये सब फिजूल की बातें हैं, और बाइक्स देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, दिल खुश हो गया मेरा भी और बाकियों का भी। सो चलो यहाँ पर अभी थोड़ा रील शूट कर लेते अपना और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो यही है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा आप लोगों को दिखाते रहूँगा लोकेशन। सो चलो चलते और आप लोगों को आगे लोकेशन दिखाते और यहाँ का एक सिनेमैटिक ओवरव्यू। ये जो लोकेशन है ना डिस्टेंस में कवर करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे आर्ट किए गए हैं, वॉल आर्ट है पीछे तक, देख सकते हो पूरा ये आगे आगे तक जा रहा है, और वैसे भी ये जगह ना पूरा तरीके से डेवलप किया गया नहीं है। यही तो देखने आए थे भाई सुबह को, सुबह सुबह, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे साउंड सुनते हैं ना बाइक्स का, सुपर बाइक्स का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो लोकेशन है इज वर्थी इनफ, अगर जहाँ तक बात इस लोकेशन को रेट करने की, आई वुड रेट इट 6/10, क्योंकि इतना ज़्यादा हैपनिंग प्लेस नहीं है यहाँ पे आके, बट आप लोग कंटेंट वगैरह शूट कर सकते हो, कंटेंट वर्थी लोकेशन, इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो। सो यहीं तक रखते हैं आज के इस व्लॉग को, छोटा सा व्लॉग था, सो काम चला लेना, चलते आप लोगों से किसी और नए व्लॉग में, टिल देन पीस आउट, और कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो पाए कि मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में कहीं जाऊँ, एक अच्छा सा लोकेशन एक्सप्लोर करूँ प्रॉपर विदाउट मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग देख देख के आप लोग भी बोर हो चुके हो। और एक चीज़ देखना अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये टाइगर है, तो देखो ये लायन है, ठीक है, ये लायन का नीचे देखो, और सॉरी ये टाइगर है, अब रियली सॉरी भाई, ये टाइगर था, मेरे मुंह से लायन निकल गया। खैर छोड़ो, 5 minutes later. क्रेजी ब्रो, क्रेजी, ट्रैफिक फिल्टर करने का जो मजा है ना वो अलग ही लेवल का होता है भाई। What the fuck ब्रो, Thank you.
अरे बाप रे बाप भाई, उसके पैर में बहुत गंदा लग गया काकू। की कोर्चे नापनी, बाप रे बाप, उफ बाप रे। অনেক অনেক লেগে গেল তো, আপনি দেখে রোড ক্রস করবেন তো? কি করে আপনি কিভাবে রোড ক্রস করছিলেন? আপনার কাছে কিছু নাম্বার আছে? বাড়ির লোকের কোনো নাম্বার আছে? ফোন করে দিন। আপনার বাড়ি কোথায়? এখানে? আরে বাপরে, অনেক অনেক লেগেছে তো, দাঁড়ান আমি আসছি। সবসে পেলে গাড়ি সাইড কর দেতা হুম। উসকো লাগ গিয়া বহুত জোর। মেরা ইসসে নেই, ব্যাগ লে লে, ব্যাগ লে লে না। যেতে পারবেন আপনি কি? আপনাকে স্কুটি থেকে ছেড়ে দেবো, স্কুটি থেকে ছেড়ে দেবো আপনাকে। হ্যাঁ, আপনি চলতে পারছেন? বাপরে অনেক লেগেছে তো পায়ে, বাপরে খুন বের। না না, ওনায় রোড ক্রস করছিল তো, একটা বাইক হিট করে চলে গেল। একটা বাইক, বাইক ছিল, বাইক বাইক ছিল। খুব লেগেছে, হাতে লেগেছে এখানে এখানে। ডিক্কি খোলেগা, ডিক্কি ডিক্কি, ফার্স্ট এড কিট নিকালেগা। হ্যাঁ, ফার্স্ট এড यार, फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा उनको। आपनी बोसुन 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 दिखाने आते बोसुन, एक तो बोसुन आपने के छेड़े दी वो, हमार गाड़ी आ जाए, मैं छेड़े दी वो आपने के। अच्छा, लग गया बहुत जोर का। मेरा ग्लव्स उठा ले, ग्लव्स उठा लेना। एम्बुलेंस आ चुकी है। ओके, इज इट कमिंग फ्रॉम दिस साइड? ओके, एक्चुअली इट वाज, आई वुड नॉट से दैट इट वाज मिस्टेक ऑफ द बाइकर, बिकॉज इट वाज अ बिजी रोड एंड द सिग्नल वाज ग्रीन, सो एवरीबॉडी वाज गोइंग ऑन देयर वे एंड या या, इट इज हिज मिस्टेक वी कैन से, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो राइड केयरफुली। Like if someone is seeing that a person is crossing the road, he should, you know, apply brakes and he should go slow to that point. Isko pakad, isko pakad, isko pakad. Aga jao. Tumhare jeans pakad. Aaram se. Baap re baap. ইনিশিয়াল ফার্স্ট এড করলে মেজর কিছু হয়নি ওনার। শুন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আই থট ইট ইজ আওয়ার, ইট ইজ আওয়ার, ইয়া ইয়া, I have followed from the far away. Yeah. Someone has met with an accident. I immediately ran over this spot. Immediately. Even after he fell, you know, no one. मैं आया इसीलिए, देखिए पुलिस आया। हाँ, वही वही। हम भेज दिया। जितना fast कर सकते थे, it is Kolkata. Yeah, sure, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. ये भी अच्छा लगा कि आप लोग। हाँ। अरे, मैं वहाँ पर से आ रहा था ना, मैंने देखा अचानक से। वही तो, कोई रुका नहीं,
इतना ह्यूमैनिटी किसी के अंदर नहीं है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू। यस ओके ओके सर। कहने को जाऊं तो फिर वो अंकल का भी फॉल्ट है ना। इन लोग क्या करते हैं, रोड के बीच से ना ऐसे मतलब अचानक से ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, और जब वो क्रॉस कर रहा था तभी एक बाइक स्पीड में आया। लोगों को लगता है कि रोड खाली है तो हम लोग स्पीड में जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ऐसा सोचते हैं वो भी गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है भाई, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि आप एक मतलब ऐसे लोकल एरिया से जा रहे हो जहाँ से रोड में आदमी लोग कभी भी रोड क्रॉस करने के लिए निकल जाते हैं, तो वो चीज़ तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए कि नहीं भाई अगर मैं यहाँ से स्पीड जाऊँगा तो फिर ऐसा हो सकता है। यहीं तक रखते हैं आज के इस व्लॉग को, थोड़ा सा सैड एंडिंग हो रहा है व्लॉग का, बट स्टिल क्या कर सकते हैं भाई, अब जो होना था हो गया। ठीक है, उस अंकल को भी एक सबक मिल गया कि ऐसे मतलब बिना देखे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम कोलकाता पुलिस वालों के लिए भी मतलब उनको भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, क्विक एक्शन लिया जब उन लोगों ने देखा दूर से कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ से उन लोग आए और फिर उन लोगों ने हेल्प किया। बट द सैड पार्ट इज़ कि भाई मेरे अलावा और कोई रुका ही नहीं, सारे लोग देख रहे थे, बाइक में जो आदमी लोग थे उन लोग भी देख रहे थे, फोर व्हीलर में भी जो आदमी उन लोग भी थे, बट कोई रुका नहीं, सारे लोग निकल रहे थे भाई। अगर ना वो पुलिस वाला देखता ना मैंने देखा होता तो कोई तो उस बंदे का हेल्प करने के लिए आया ना होता, वो बेचारा वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहता। दिस इज़ रॉन्ग भाई, दिस इज़ रॉन्ग। कभी भी ऐसा हो जाए रोड में, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, तो एटलीस्ट हेल्प कर दिया करो, एम्बुलेंस को बुला दिया करो या फिर उनको उठा के साइड कर दो, अगर हो सके तो फर्स्ट एड भी कर दो ताकि पॉसिबली जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाए फॉर द मोमेंट, ब्लड लॉस ना हो। वही सिंपल सा बात है भाई, अगर आप हेल्प करोगे दूसरों का तो वो रिटर्न होगा ही होगा आपको कभी ना कभी। जो भी हुआ है उसको भूलते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर, और ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक चीज देखना, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये टाइगर है तो नीचे देखो क्या।